अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं, संडे आने वाला है और आज जो है ना हम जा रहे हैं मंडी की तरफ। मंडी का नाम क्या है जी? गली जहांगीर मंडी है ये, देखें। अस्सलाम वालेकुम, टुमारो विल बी संडे, टुडे इज अ फंडे। आज हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे चौधरी असनार के साथ, बिट्टू नबीर राजा और वतीन के साथ बकरों की खरीदारी हो रही है। आज हमें 5 या 4 बकरे चाहिए और हमने उसकी तलाश करनी है, तो आए हमारे साथ, चले पेशावर रोड पे। वेलकम पेशावर रोड पे गली जहांगीर। जी दोस्तों, देखा आपने, अभी हम जा रहे हैं गली जहांगीर की तरफ। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही सही से, लेकिन ये है कि अभी हम जा रहे हैं, फिर मैं आपसे आगे जाके आपको मैं मंडी का विजिट भी कराऊंगा। ये जी मस्जिद भी आ रही है, चूड़ चौक, ये रावलपिंडी कैंट का तारीखी इलाका जो है चूड़ चौक है। ये भी हम जा रहे हैं, बोले ये इसकी लेफ्ट साइड पे सिहाम है। हमारे मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं इस हल्का से, तो मुरद खान साहब और मलक इब्रार साहब का भी एरिया है यहाँ से, और बहुत अच्छी अच्छी शख्सियात यहाँ पे होती हैं। महबूब अलाई साहब हैं, काफ़ी तारीखी इलाका है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक स्नूकर और बिलियर्ड क्लब भी है। इसके अलावा आप आगे जाएंगे यहाँ से आर्मी की पोस्ट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आ जाता है। रावलपिंडी कैंट की सैर करते हुए आगे चलें आप। हमने यहाँ पे लियाकत गवर्नमेंट कॉलेज है एफजी का और सूबाई गवर्नमेंट का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उससे गुजर रहे हैं हम। सिहाम का एरिया हमारे लेफ्ट साइड पे है, वो भी लग रहा है कि घर है। और ये पुराना हमारा स्टाफ आ गया, इसका डेवो स्टाफ आ गया, शेयरिंग क्रॉस से आगे का इलाका आ गया। यहाँ से आप देखेंगे कि फिर बधाई की तरफ रोड जाती है और हाजी कैंप की तरफ, तो ये रोड पिंडी कैंट के नज़ारे आप देख रहे हैं। चौधरी असनाद साहब अपनी मूछों को ताव देते हुए बड़ी बेताबी के साथ, और मिठू उस्ताद और मतीन उस्ताद आज बड़ी बेताबाना अंदाज में आज इन्होंने गाड़ों को गुसल कराया, हौसले सेहत। और अब हम पहुंच गए हैं अपने जो अंडर पास है यहाँ पे, शिबाज शरीफ साहब ने बनाया था उसको आप, और ये कायनात अड्डा आ गया। कायनात अड्डा जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये फूड न्यू, ये पुलाव आ गया जी, पुलाव कबाब सेवर फूड। अभी हमने ब्रिज क्रॉस किया है, ये अब शबीर लाइन आ गई, शबीर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ये आगे अभी ब्रिज है। और अभी हम जा रहे हैं गली जहांगीर की तरफ, ये रेस्क्यू 1122 जामे पाकिस्तान से कबल तो नूर मिल्स का एरिया है बहुत बड़ा, यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी है और उनका डिस्प्ले सेंटर भी है, वो भी अभी आगे आने वाले हैं। और ये अन्य 61 का इलाका है और यहाँ से बहुत सारी तारीखी जगह भी हैं, मगर अब वक्त के साथ साथ जो है इसमें कुछ इजाफे हुए, जैसे ये ब्रिज बना है यहाँ पे फिर बधाई का, और इसी तरीके से अब हम स्पीड के साथ आगे चलते हैं। अब आपको मंडी के मनाज़र दिखाएंगे, अब आगे चलते हैं। चलिए साथ साथ मुस्कुराते हुए रोड पे हैं हम इस वक्त, और अभी हम जा रहे हैं बकरे लेने, तो अभी देखते हैं जी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं, फतेह जंग अभी 30 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा रश है जी आज तो। जी दोस्तों, अभी हम ये फाटक के पास हैं, धुआं फाटक इसका नाम है। और ये देखें जी मौसम, माशाल्लाह नज़ारा देखें जी। ये इधर छोटी सी एक उस पर है, मंडी लगी हुई है जी, तो अभी देखते हैं जी। ये हमने जाना तो आगे है पर हम यहाँ रुके हुए देख रहे हैं। ये जी 25,000 इसका मांगा है इन्होंने, 32,000। तू क्या पानी पीने लग गया? ये देखें जी, ये हमारा प्यासा
प्यासा बकरा। ये देखिए हमने ऐसी गिलास पहली दफा देखी। ये देखो जी इस बंदे ने ये गिलास पहली बार देखी ऐसे। अभी हम फिर जा रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि हमने रेट पता कर लिए यहाँ पे, तो अभी हम वापस जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं तो मंडी की तरफ, फिर वहाँ पहुँच कर जो है आपको मज़ीद ये बकरे दिखाते हैं और उनका रेट। मैं जान ये कितने का है? ये कितने का? ये भाई ये यार हमने गिफ्ट रखा हुआ यार, ये तो भी खीप है। नहीं यार चौका है, ये खीप है, ढूंढा है। ये जी मिठू उस्ताद है ना, ये हमारे चौधरी उस्ताद साहब हमेशा ही एंड हो गया। यानी कि हम लेट हो गए हैं और मंडी खत्म हो गई, दो तीन गाड़ियां अभी उस साइड पे गई थी, देखा हमने वापस माल जा रहा था, तो आपको बताया था ना कि आज हम लेट हो गए हैं, लेट निकले हैं, तो सुबह जाने का लेकिन वो बस हम लेट हो गए जी। ये अभी हम कौन सी मंडी थी जी, ये गली जहांगीर मंडी के बिल्कुल पास है, वो सामने गली जहांगीर मंडी आती है ये बोर्ड भी लगा, लेकिन अब हम आगे जा नहीं रहे क्योंकि आगे जाने का फायदा ही नहीं है। ये मिठू भाई वो सैफी साहब नमाज अदा कर रहे हैं, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, आज हम याकूब भाई को मिस कर रहे हैं। वैसे याकूब भाई आप फायदे में रह गए हो क्योंकि आप आए नहीं हो, तो फायदे में रह गए हो। अभी हम मंडी तो बंद होगी, अभी हम रास्ते में ये भजन है। अपने इलाके में आ चुके हैं बाटा चौक में, तो ये रावलपिंडी का इलाका है और रावलपिंडी के इलाके से मिसराल रोड और रेंज रोड से आगे रहे ना, तो ये वहाँ पर भाटा चौक है गोलड़ा मोड़ से अंदर की तरफ, तो ये भाटा चौक आ जाता है। तो ये मंडी इस्लामाबाद की मंडी यहाँ लगी हुई है, तो अभी जाते हैं देखते हैं अंदर। तो हमने तो चार बकरे लेने हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ निज़ाम बनता है या नहीं बनता जी। दोस्तों ये देखें आप, मंडी में हम आ चुके हैं, आओ जी बिस्मिल्लाह करो जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, ठीक हो? खैर है। कितने मतलब बच्चा? दोंदा दोंदा के मंगने जी। ये जी दोंदा, पक्का दोंदा सर, मंगने क्यों? ये जी अभी मंडी फेर रहे हैं, देखते हैं, रेट बहुत हाई है यहाँ इस मंडी का, अभी देखते हैं क्या मामला है। बड़ी सतांदी है जे मैं भी सेक्सी लगता तेनू आ फिर प्यार दे स्विमिंग पूल विच निकल रहा है ना, अभी तो निकल रहा है जी। काफी हम सर्च ऑपरेशन जारी है बकरों का, और ये वसीम भाई और असनाद भाई देख रहे हैं बकरों को, चेक कर रहे हैं उनके दांत वगैरह बाकी सारी चीज़ें। ये देखें जी बकरों की शरारतें, बकरों की शरारतें देखें जी। ये जो बकरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा बकरा है, बड़ा बकरा है, लेकिन इसका जो रेट है वो 85,000 है। देखें जी इस बकरे के जी इन्होंने 40,000 मांगे हैं, 40,000 इस बकरे का भी है, हल्के बकरे हैं लेकिन ठीक है जी। मंडी मतलब ये रेट कुछ बेहतर है, खूबसूरती के पैसे बताए हैं उन्होंने। जी हमने एक और जगह से देखा है ये बकरे लेके जा रहे थे,
और सनात भाई ने इनको पकड़ लिया, मतलब रोक लिया माशाल्लाह। ऊंट ये भाटा मंडी के अंदर ऊंट की मंडी है और सारे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। फाइनली हमें ये एक बकरा और मिल चुका है। अभी हमने 3 बकरे और 2 बकरे और लेने हैं। ये देखें जी, ये 31,000 का हुआ है, 31,000 रुपये का दोंदा बकरा है जी। जी दोस्तों, अभी हमने ये 31,000 में लिया था बाबा जी से, और ये जो है एक और हमने ले लिया, ये 27,000 का, ठीक है ना जी, ये 27,000 में हो गया। और ये जनाब हमें डंपर मिला है 15,500 का, 15,500। अभी मैं आपको बाबा जी से ही मिलवाता हूँ जी। जी दोस्तों, ये हमने यहाँ से जानवर दिए हैं, ठीक है ना जी, ये हमने इनको साथ और भी बंदे दिए हैं, मार्केट में फिर रहे थे, तो ये चीज़ है जी। अब शुरू से बिस्मिल्लाह। हमारे इलाके की बहुत जानी पहचानी मायना शख्सियतें अलामा साहब, और बड़े अरसा तक अलामा इकबाल कॉलोनी में इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, तो आज मवेशी मंडी में इनसे बाई चांस हमारी मुलाकात हुई है। ये साहिबान हमारे उर्स शरीफ से आए हैं और इनसे हमने 2 बकरे खरीदे हैं, और इन्होंने एक मेहरबानी की है, जो हमारा एक बड़ा प्यारा भाई है अयास, उसकी ख्वाहिश थी, थैलीसीमिया का वो मरीज़ है, कि मैं कुर्बानी करूं, और इन्होंने खसूसी तौर पे एक रियायत करके अपना एक बकरा दिया। अल्लाह इनको ये भी इनकी नेकी कबूल करे, अल्लाह बरकत दे। भाई साहब, आप अपने कुछ थोड़ा सा पैगाम दें। भाई जो है ना, फलाई तर्जो अमल से बहुत काम करते हैं, अल्लाह इनकी काविश को अपनी इस्तेआत के मुताबिक मकबूल और मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, जी अहमद हैं हमारे बुजुर्ग, उच्च शरीफ से तशरीफ लाए हैं, और इन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया है, तो हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इनके लिए बहुत सारी बरकतें अता करे। आप अपनी तरफ से सलाम दे दें व्यूअर्स को, ये देखने वाले को सलाम दे दें। ठीक है जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, हम ये ले आए हैं, अब हम अपने घर में जा रहे हैं, ये मतीन भाई के लिए, मतीन भाई के कजन के लिए, तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम बहुत बुरी हालत हुई हुई है, बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई है, सर दर्द कर रहा है इस टाइम शदीद, और फिर ये कि घर जाकर जो है ना फ्रेश होना पड़ेगा, तो फिर आप मैं पूरी बाकायदा वीडियो बताऊंगा घर जाकर इनको कैसे हम बांधेंगे, ठीक है। ये जी हमने अपने बकरे लोड कर दिए हैं, अब ये जा रहे हैं। जी दोस्तों, ये देखें हम
बारी बारी बकरे उतार रहे हैं। वो गिट्ठे को उठाओ, कालू को उठा, कालू कालू थक गया देखना जी, बेचारा थक गया इस वक्त और उठने का नाम नहीं ले रहा ये इस वक्त। उठ गया है अभी, देखना जी ये छलांग भी मारेगा। ये देखें जी, ये हमारे ग्राउंड में आ चुके हैं, ये ब्लैक ब्यूटी हमारी। जी दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेट हो गया, संडे को शेयर करना था, मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। आप तमाम दोस्त मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।